साइड चेंज कर लें, अब राइट साइड से करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक राउंड और कर रहे हैं, लेफ्ट राइट। इसकी मैं सबसे अच्छी स्थिति बता दूंगा जिससे 100% आपके अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसकी बेनिफिट्स आपको जल्दी मिलेंगे, ठीक है? जैसे अभी हम ताकत लगा रहे हैं स्पाइन को ठीक करने के लिए, उस तरीके में नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें हाथ थकेंगे। चलिए पहले एक बार इसको ग्राउंड और कर रहे हैं, तेजी से मैं 50 तक की मानसिक काउंटिंग कर रहा हूँ, लेफ्ट 50 कर। चलिए सर साइड चेंज कर लें, ओके रिलीज। फिर से मुस्कुराएं और दोनों हाथों को इस तरह से बैठी हुई अवस्था में पर्वत आसन कर लें। अब देखो इस अवस्था में आपको कोई ताकत नहीं लगानी स्पाइन को सीधा करने की, स्वतः ही दोनों हाथों कान से मिले रहेंगे, इस तरह से बैठेंगे। और चलिए करते हैं फिर से अब दोनों नासिकाओं से, ठीक है? रिलीज, फिर से मुस्कुराएं, दो तीन ब्रीथ कर लें, एक दो राउंड अनुलोम विलोम कर लेते, थोड़ा मन को शांत कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके लाफिंग करेंगे, शांति पाठ करेंगे, फिर कोई भी लोग कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है? दो या तीन बार हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते, थोड़ा सा शांत कर लेते बॉडी को, ठीक है? और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय भी हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए कि ब्रीदिंग की आवाज़ आपको भी ना सुनाई दे, हर स्थिति में ध्यान।